कल की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें डेरेंड्रॉफ के 6 पॉइंट्स पढ़े, कार्ल मार्क्स पढ़ी, और देखा कि कार्ल मार्क्स किस तरीके से डेरेंड्रॉफ किस तरीके से कार्ल मार्क्स की क्रिटिक करते हैं। डेरेंड्रॉफ में मैंने आपको बताया कि जो कॉन्सेप्ट है डेरेंड्रॉफ का आईसीए का, यानी इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, ये आदर्शता समन्वित संघ जिसको कहते हैं, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की जब हमने बात करी, यानी जब हमने देखा कि संघर्ष का संस्थाकरण हो रहा है, तो हमें पता चला कि हाँ भाई, समाज में, सामाजिक व्यवस्था में क्या हो रहा है, एक संगठन जो है वो ऐसे संगठन बन रहे हैं जो कि संघर्ष को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करने का काम करते हैं। इसके अलावा वो डेरेंड्रॉफ कहते हैं कि जो समाज है, समाज में 2 तरीके के मॉडल्स काम करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि डेरेंड्रॉफ भी कॉन्फ्लिक्ट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन डेरेंड्रॉफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पावर एंड अथॉरिटी, इन दोनों की बात करता है। यानी डेरेंड्रॉफ के कॉन्फ्लिक्ट की खास बात यह है कि डेरेंड्रॉफ टॉक्स अबाउट पावर एंड अथॉरिटी रिलेशन, एंड बिकॉज ऑफ दीज रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो निकल करके आता है हमारे बीच, और हम कॉन्फ्लिक्ट को सोसाइटी में देखते हैं। इसीलिए डेरेंड्रॉफ कह रहे हैं कि पावर और अथॉरिटी रिलेशंस ही हैं, यानी कि शक्ति और सत्ता के जो संबंध बनते हैं वही कहीं ना कहीं संघर्ष के कारण बनते हैं। किसी के पास शक्ति ज्यादा होती है, कहीं किसी ने के पास सत्ता ज्यादा होती है, और जो कि संघर्ष को आगे चल करके जन्म देते हैं। डेरेंड्रॉफ इसके लिए 2 टाइप्स के मॉडल्स की बात करते हैं, यानी डेरेंड्रॉफ डिस्कस्ड 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, तो इसलिए नोट करते चलेंगे जरूर। डेरेंड्रॉफ जो 2 तरीके के मॉडल्स का बात करते हैं, पहले मॉडल को वो कहते हैं कॉन्सेंसस मॉडल। ये चीज आपकी बुक्स में नहीं मिलेगी, तो इसलिए ध्यान से इसे पढ़ते रहिए। पहले है कॉन्सेंसस मॉडल, जिसको कि वो कहते हैं मतैक्य प्रारूप या फिर सहमति जन्य प्रारूप, जो भी आप कहना चाहें, मतैक्य प्रारूप। और दूसरा है कोअर्शन मॉडल, दूसरा है कोअर्शन मॉडल। कोअर्शन मॉडल क्या होता है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं अवपीड़न प्रारूप। अवपीड़न प्रारूप, यानी पहला हो गया मतैक्य प्रारूप, और दूसरा हो गया कोअर्शन प्रारूप, यानी अवपीड़न प्रारूप। जो मतैक्य प्रारूप है वो ये मान करके चलता है कि हर सोसाइटी स्टेबल होती है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो है सब एक दूसरे के मदद करते हैं, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के लिए फंक्शनल हैं। लेकिन जो दूसरा वाला कोअर्शन मॉडल है, कोअर्शन मॉडल टॉक्स अबाउट कि एवरी सोसाइटी इज कीप चेंजिंग, यानी प्रत्येक समाज लगातार बदल रहा है, और इसकी डायरेक्शन, इसकी स्पीड, ये लगातार कम ज्यादा हो रही है, जिससे कि विरोध का, जिससे कि गतिरोध, कोअर्शन या फिर रेजिस्टेंस जिसको कि हम कहते हैं, ये सारी चीजें आती हैं, और समाज में संघर्ष की उत्पत्ति होती है कहीं ना कहीं इन्हीं शक्ति और सत्ता के संबंधों के कारण। तो ये 2 तरीके के मॉडल्स बताते हैं। इसके अलावा डेरेंड्रॉफ में जो इंपॉर्टेंट चीज है, डेरेंड्रॉफ 2 तरीके के वर्ग बताते हैं, दो टू टाइप्स ऑफ क्लासेस बताते हैं, 2 तरीके के वर्गों की बात करते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस, 2 तरीके के वर्ग बताते हैं, जिसमें कि पहले जो पहला वर्ग है उसको वो बताते हैं कमांड क्लास, और ओबे क्लास। ये क्वेश्चन इस बार के हायर में भी आया था, हायर कमीशन का जो पेपर हुआ था एडवर्टाइजमेंट 50 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेरेंड्रॉफ ने किन, डेरेंड्रॉफ नहीं था, उसमें लिखा था किसने शक्ति और संघर्ष के संबंधों की बात करते हुए सामाजिक संरचना को 2 भागों, कमांड क्लास तथा ओबे क्लास में बांटा है। तो इट कैन बी पॉसिबल दैट द क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड इन पीजीटी ऑल्सो, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि कमांड क्लास और ओबे क्लास, ये 2 तरीके की, यानी एक वर्ग तो है जो कि आज्ञा देता है, और एक वर्ग वो है जो कि उस आज्ञा का पालन करता है। इसी को अगर हम हिंदी में लिखें, तो वैसे तो आप इसे इंग्लिश में याद करें ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसे उच्च पदस्थ वर्ग और अधीनस्थ वर्ग, इन 2 तरीके से आप हिंदी में से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कमांड क्लास और ओबे क्लास में वो बांटते हैं डेरेंड्रॉफ इस इन दोनों भागों, इन दोनों संघर्ष वर्गों को, जैसे कि हमने उसमें आपको बताया कि उसमें बुर्जुआजी और प्रोलेटरिएट में बांटते हैं।
ये तो बेसिकली डेहरेंड्रॉफ के जो दो चीजें कल रह गई थी क्लास में उनकी हमने बात करी। इसके बाद डेहरेंड्रॉफ के बाद जो दूसरा विचारक या फिर दूसरा थिंकर इस कंफ्लिक्टरी थियरी में हमें पढ़ना था, डिस्कस करना था, जिसका नाम था लेविस कोजर। सर एक है नहीं दिखा लास्ट वाला, बेटा जल्दी प्लीज लिखा करो, दिखा दोबारा दीजिए। देखना यार, जल्दी देखो, इतना समय नहीं है। थोड़ा अटेंटिव रहोगे ना तब साथ साथ हमारे चलोगे, हमारी स्पीड से स्पीड मिला के चलोगे तब मजा आएगी। हम आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे, फिर मजा नहीं आएगा। हो गया हो गया हो गया। तो जो दूसरा थिंकर हमें पढ़ना है वो है लेविस कोजर। लेविस कोजर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है और मुझे बड़ा पसंद भी इसलिए है क्योंकि लेविस कोजर ने जो बात करी ना वो बिल्कुल आम बात करी, कोई बहुत ऐसी बात नहीं करी जो कि कहीं आपने सुनी ना हो, कहीं आपने देखी ना हो। तो जो कोजर बात कर रहे हैं, कोजर टॉक्स अबाउट फंक्शंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। हमने आपने बताया था कि सभी लोग संघर्ष की तो बात करते हैं लेकिन सभी के संघर्ष के बात करने के जो तरीके हैं यानी जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग है। तो कोजर बात करते हैं संघर्ष के प्रकारों की। वैसे तो ये चिंतक एमए के द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है लेकिन तब अगर कोई ध्यान से पढ़े तो फिर इसे दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, लेकिन खैर। तो संघर्ष के प्रकारों की बात की जा रही है, यानी संघर्ष के प्रकार क्या है। जनरली जो लेविस कोजर की जो थियरी है वो उनकी बुक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट उनकी एक बहुत फेमस किताब है, पूछी भी जाती है, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। यानी मैंने आपको बताया था कि प्रकार शब्द से हमारा आशय किसी भी चीज के फायदे से होता है, किसी भी चीज के फंक्शनिंग से होता है। तो फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट से हमारा मतलब होता है कि संघर्ष के प्रकार क्या है, यानी संघर्ष किस तरीके से सोसाइटी के लिए फंक्शनल है, लाभप्रद है या फिर फायदेमंद है। तो कोजर कहते हैं कि जो संघर्ष है हम इसके प्रकारों की बात करेंगे, यानी हम जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है उसके प्रकारों की बात करेंगे। लेविस कोजर भी टैलकॉट पार्सन्स की क्रिटिक करते हैं, इवन लेविस कोजर ऑल्सो क्रिटिक राल्फ डेरेंड्रॉफ की भी क्रिटिक करते हैं, एमिल डर्खाइम की क्रिटिक करते हैं, जिसमें कि वो एक नई तरीके की बात लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से, अलग ढंग से अपने विचार को या अपनी बात को कहना चाहते हैं। जो कोजर का संघर्ष सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी जिसको कि हम हिंदी में सामाजिक संगठन कहते हैं, सामाजिक संगठन से संबंधित है। वो कहते हैं कि जो कोजर जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं उसको हम एक कुछ पॉइंट्स में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स में समझेंगे, जिसमें कि पहला पॉइंट कोजर बताते हैं कि ये जो सोशल वर्ल्ड है, ये जो सामाजिक दुनिया है, हम सभी इस सामाजिक दुनिया में लगातार जुड़े हुए हैं और ये व्यवस्था एक व्यवस्था नहीं है बल्कि कई सारे छोटे छोटे भागों की व्यवस्था है। तो पहली बात जो कोजर देखते हैं वो कोजर समाज को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं जिसमें कि छोटे छोटे पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स मिल करके इस व्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। दूसरे नंबर की जो बात आती है वो कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई समाज हो, यानी देयर इज नो सोसाइटी जहां पर संघर्ष ना हो, यानी जहां पर तनाव ना हो, यानी बिना संघर्ष के और बिना तनाव के ऐसी कोई चीज नहीं। यानी दूसरा पॉइंट ये क्या बताते हैं, संघर्ष की जो प्रक्रिया है, संघर्ष की जो प्रोसेस है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, यानी संघर्ष हर जगह पाया जा रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से निकल करके आती है कि संघर्ष की प्रक्रिया कैसी है, सार्वभौमिक है। तीसरे नंबर पर जो कोजर बात बताते हैं वो कहते हैं कहीं ना कहीं सोशल प्रोसेस ऐसी होती है, समाज में लगातार कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, चाहे वो सहयोग हो, चाहे वो प्रतिस्पर्धा हो, चाहे वो और भी कोई प्रक्रियाएं हो, अनुकूलन हो, इंटीग्रेशन हो, और ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक परिवर्तन को लेकर के आती हैं। ये सोशल प्रोसेस कई बार एकीकरण करके, कई बार स्ट्रगल करके सामाजिक संघर्ष को आगे बढ़ाती है जैसे कि समाज आगे चले। यही प्रोसेस समाज को कई बार डिसइंटीग्रेट करती है ऐसा लोग मानते हैं, जैसे कि हिंसा, जैसे कि अपराध, जैसे कि संघर्ष, जैसे कि असहमति, ये सारी प्रक्रियाएं समाज को कमजोर करती हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन कोजर इस बात को बिल्कुल ही अलग ढंग से कहते हैं और कहते हैं ये सारी चीजें समाज को इंटीग्रेट करने का काम करती हैं, यानी संघर्ष भी हो रहा है तो उसका भी समाज पर कुछ फायदा है, मैंने आपको बताया था, यानी संघर्ष का भी कुछ फायदा है। ये संघर्ष केवल टूटन पैदा करने के लिए, समाज को कमजोर करने के लिए ही नहीं होता बल्कि
समाज में अनुकूलन एवं एकीकरण लाने के लिए भी होता है। तो ये एक बात हो गई। तो यानी एक बात तो हमें पता चली कि कोजर कह रहे हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट कोई बुरी चीज नहीं है। पहली तो आप ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि कोजर से इसकी भैया कॉन्फ्लिक्ट कोई बुरी बात नहीं है, आप जिसे इतना बुरा मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी एक अच्छी बात है। और इसीलिए जो किताब है इनकी वो फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष के फायदे क्या है, संघर्ष के प्रकार क्या है, वो कहते हैं कि जो संघर्ष की प्रक्रिया है अगर हम इससे तालमेल बिठा लें, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लें, एडप्टेशन कर लें, तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं संघर्ष की, तो वो बड़ा समाज के लिए कई बार अच्छा काम करती हैं। कोजर कहते हैं कि जो संघर्ष है तो क्या होता है, समाज में संघर्ष तो तभी आता है जब एकीकरण टूटता है, इंटीग्रेशन कमजोर पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंटीग्रेशन के टूटने से जो इंटीग्रेशन बनता है वो कहीं गुना ज्यादा मजबूत होता है। एक नए तरीके का इंटीग्रेशन इसमें लाया जाता है, जिसको कि वो इंटीग्रेशन कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। जनरली मैंने आपको बताया था कि कोजर ने संघर्ष के दो तरीके बताए हैं, कौन कौन से। पहला तो वो बताते हैं रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी, और दूसरा बताते हैं नॉन रियलिस्टिक यानी अयथार्थवादी या फिर गैर यथार्थवादी। जिसमें से पहला वाला मैंने आपको बताया, जिसके पीछे तार्किक कारण हो, जिसके पीछे कोई भी ऐसा तार्किक कारण ना हो। अच्छा, कोजर कहते हैं कि जो अपनी इच्छा से या फिर अपनी मजबूरी से काम किया जाए वो रियलिस्टिक है, जो किसी मतलब सामूहिक रूप से काम किया जाए वो दूसरे तरीके का संघर्ष है। कोजर ने जो बात बताई संघर्ष के संदर्भ में वो बड़ा अनोखी बात बताई, और अनोखी इसलिए कि कोजर कहते हैं कि संघर्ष को जितना मतलब संघर्ष किस तरीके से काम करेगा या संघर्ष कब ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो कहते हैं कि संघर्ष में जितनी ज्यादा भावनाएं शामिल होंगी यानी संघर्ष की प्रक्रिया में जितना ज्यादा लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे उतना ज्यादा संघर्ष और इंटेंसिटी उसकी हाई होगी। यानी अब अगर आपसे कोई पूछे कि किस विचारक ने संघर्ष की तीव्रता को लेकर के बताया है, तो संघर्ष की तीव्रता यानी कॉन्फ्लिक्ट कितना हार्ड है, कितना इंटेंस है, कितना गहरा है, समाज में कितना अंदर तक धंसा हुआ है, इस सारी बातें कोजर करते हैं। कोजर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक संघर्ष सूखा सूखा चल रहा है, एक सूखा सूखा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप उसमें धर्म का तड़का लगा देते हैं, उसमें किसी रिलीजन का वो लगा देते हैं तड़का, तो वो चीजें हिंसक हो जाती हैं। आप उसमें किसी की भावनाएं, किसी धर्म, किसी जाति, किसी प्रतीक का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो चीजें हिंसक हो जाती हैं। यानी कुल मिला के जो बात ये बता रहे हैं उसमें से पहला पॉइंट ये है कि संघर्ष की तीव्रता कैसे घटती बढ़ती है, जिसमें कि वो कहते हैं कि जितना ज्यादा गैर बराबरी होगी, जितना ज्यादा गैर बराबरी होगी उतने ही ज्यादा संघर्ष होंगे। यानी एक कारण तो ये भी है कि समाज में ऊंच नीच है, समाज में गैर बराबरी है, तो जितनी ज्यादा गैर बराबरी उतना ज्यादा संघर्ष। दूसरी बात, संघर्ष की टेंडेंसी कहें या फिर संघर्ष की फ्रीक्वेंसी कहें, यानी जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी संघर्ष की, जितनी ज्यादा आवृत्ति जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी उसकी कम होगी। अब पता चला आए दिन कोई संघर्ष हो रहा तब वो थोड़ा ना हिंसक होगा, तो इंसान कहेगा भाई इनका रोज का है, अभी आप एक दिन लड़ाई करिए तो लड़के आपको बचाने आएंगे, भाई आपके दोस्त, आपके हॉस्टल के, आपके साथ रहने वाले, लेकिन अब आप बहुत रोज ही लड़ाई किए पड़े, रोज ही पंगा ले रहे हैं किसी न किसी से, रोज ही लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर हर बार आदमी आपको बचाने थोड़ी आएगा। एक बार आपके लिए वो हाथ पैर तुड़वा सकता है, मार खा सकता है या मार कर सकता है, हर बार वो आपको बचाने आए ये बात संभव नहीं है। तो कोजर दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन जो है इस बात का ध्यान रख करके किया जाए कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी यानी जितनी आवृत्ति सॉरी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी है या फिर कॉन्फ्लिक्ट की जो तीव्रता है वो लगातार कम होती जाएगी। कोजर डेरेन रॉफ की क्रिटिक करते हैं और कहते हैं कि जो डेरेन रॉफ ने जो एनालिसिस करी उनका सारा फोकस इस बात पर रहा कि किसी तरीके से मार्क्स की क्रिटिक कर दी जाए, किसी तरीके से बस हम मार्क्स को क्रिटिक करें और हम आगे बढ़े, उनका सारा ध्यान इसी बात पर था। तो वो कहते हैं, कोजर कहते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं, कोजर कहते हैं कि अगर हमें वास्तव में इन संघर्ष के कारणों का पता लगाना है तो हमें अपनी पूरी स्टडी के दौरान ये देखना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है वो कितना असमान है, यानी जो संसाधनों का वितरण है, संसाधनों का जो वितरण है वो जब असमान होगा तो जाहिर सी बात है कि इसी की वजह से शिकायत जो है
संघर्ष की संभावना बढ़ेगी। जो लोग शिकायत निवारण जितना कम कर पाएंगे तो संघर्ष की समस्या बढ़ेगी। मैंने कल ही आपको बताया कि वेलफेयर स्टेट होगा तो संघर्ष होगा ही नहीं। संघर्ष कब होगा? जब पुलिस स्टेट होगा। अब आपके चोट लगी है, आपसे जबरदस्ती काम करवाया जाए तो आपके अंदर गुस्सा ज्यादा आएगा। आपको एक तवाचा भी मार दिया जाए उसी बीमारी में, तब आपको और गुस्सा आएगा। उसी बात पे आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तब आपको और गुस्सा आएगा। यानी लगातार आपको गुस्सा कब आएगा? जब आप उस तरीके का काम करते जाएंगे और चीजें बिगड़ती जाएंगी, है ना? तो तब वहां पर ये दिक्कतें आती हैं। जब आपकी समस्या हो और उसकी सुनवाई न की जाए, तो कोजर कहते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि जितना ज्यादा आप उसे चुनौती देंगे, आप जितना ज्यादा उसे उसकी भलाई नहीं करेंगे, वो संघर्ष की तीव्रता बढ़ती रहेगी। दूसरी बात, अगर मोबिलिटी होगी, फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या आया, मोबिलिटी। यानी मोबिलिटी ज्यादा होगी तो संघर्ष होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहाँ थे, आपने मोबाइल किया, आप यहाँ आ गए, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। तो जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप मोबिलिटी का, तब आप कॉन्फ्लिक्ट का नहीं सोचेंगे। मोबिलिटी कब हो उसका कब सोचेंगे? एक सेकंड रुकिए। हेलो। क्लास पढ़ा रहे? हाँ तो तुम वहां पहुंचो ना। ठीक है, तो यानी कि मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना हम जो है इसको संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि अगर आगे बढ़ जाएगा आदमी तो संघर्ष क्यों करेगा। संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होगी जब व्यक्ति को मोबिलिटी ना करने दी जाए, या फिर सब उसको आगे बढ़ने से रोका जाए, तब होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहे हैं? डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन जितना ज्यादा, संघर्ष की टेंडेंसी उतनी उतनी ज्यादा। डिप्रीवेशन जितना कम, संघर्ष की टेंडेंसी उतनी कम। ये तो एकदम रिलेट करने वाली चीजें हैं, है ना? भावनाएं जितनी ज्यादा, संघर्ष उतना ज्यादा। संघर्ष में भावनात्मक लगाव जितना ज्यादा, संघर्ष उतना ज्यादा। प्राइमरी रिलेशन जितने ज्यादा, संघर्ष उतने ज्यादा। सेकेंडरी रिलेशन होगा तो संघर्ष करेगा ही नहीं, आदमी कहेगा अरे तुम जाओ अपना काम करो, हम तुम्हारे कर्म का है। तो यानी इस तरीके की चीजें जहां जहां होंगी, वो कहते हैं जब जो जो समूह अपने लिए और खासकर जो संघर्ष रियलिस्टिक मुद्दों पर किए जाएंगे, ध्यान रहे कल मैंने आपको बताया था, जो जो संघर्ष रियलिस्टिक मुद्दों पर किए जाएंगे वो ज्यादा इंटेंस होंगे। यानी कुल मिलाकर के कोजर जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी संघर्ष कब ज्यादा तीव्र होगा, कब धीमे होगा और फंक्शंस क्या होंगे, वो बेसिकली इस बारे में बात कर रहे हैं। पहली तो बात, कोजर कहते हैं कि संघर्ष का काम यह है कि वो इससे हमें अंतः समूह और बाह्य समूह का पता चल जाता है। अब आप देखिए, अब आपकी कहीं लड़ाई हो जाए, वहां पे आपको जो बचाने जाएगा वो आप कहेंगे हाँ हाँ ये हमारा अपना है, ये हमारा पराया है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो कोजर कहते हैं पहली चीज तो एक बात ये है कि इसी से इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि हम तो फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो फंक्शंस की बात ये है कि ये ग्रुप्स की एक पेरिफेरी डिसाइड कर देता है, समूहों की एक परिधि निर्धारित कर देता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हम हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। कई और ऐसी समस्याएं, कई और ऐसे आयाम, कई और ऐसे डायमेंशंस निकल करके आते हैं जो कि समाज में एक अलग तरीके की स्थिति को पैदा करते हैं। समाज में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये समाज की कई सारी बुराइयों को समाप्त करने में, कम्युनलिज्म को समाप्त करने में, कई सारी कटुता को, कई सारी जो डिस्टेंस आ चुकी है लोगों में, उसको खत्म करने में जरूरी होता है। तो लेविस कोजर का ये लगभग लगभग इतना ही इसमें है, जिसमें कि आपको पांच चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज तो आपको देखनी है कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष के कारण क्या है, जो कि मैंने आपको बताए कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें क्या देखा, इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, है ना? इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यानी संघर्ष की तीव्रता क्या है। तीसरा पॉइंट हमने इसमें जो देखा वो हमने देखा कि वॉयलेंट है कितना ज्यादा, कितना ज्यादा वॉयलेंट नहीं है, क्योंकि हमने बताया जब भावनाएं ज्यादा होंगी तो वॉयलेंट ज्यादा होगा। तो हिंसा किस सीमा तक है, किस हद तक वो वॉयलेंट है, किस हद तक वो खून खराबा हो रहा है वहां पर। और चौथी चीज आ जाती है फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये चार चीजें यहाँ पर ये बताते हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और एक और रह गई है, सॉरी, हाँ एक पांच है शायद,
और पांचवा आता है ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ड्यूरेशन यानी अवधि, संघर्ष की अवधि। ये पांच मुद्दे हैं जो कि कोजर के अंतर्गत आपको ध्यान रखने हैं। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिग्री ऑफ वायलेंट, और फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। यानी ये जो चीजें हैं ये बातें तय करेंगी कि संघर्ष कितना ज्यादा या फिर कितना कम होगा। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में वो बताते हैं कि अगर लक्ष्य है, यानी जिस जिस चीजों को हमने लक्ष्य मान करके रखा है, अगर वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा सीमित है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वो विरोध या फिर प्रोटेस्ट या फिर वो जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात बताते हैं कि कॉन्शियसनेस जितना कम होगा कॉन्फ्लिक्ट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि आपके बीच में ही कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा चलेगा। हाँ, दूसरी इसमें बात आती है कि प्रतीकात्मक चिन्हों का प्रयोग। बहुत ध्यान से ये वाली लाइन सुनेंगे, प्रतीकात्मक चिन्हों का प्रयोग। कोजर कहते हैं अगर आपने संघर्ष में कहीं चिन्हों का प्रयोग किया, संघर्ष में कहीं आपने सिंबल्स को डाल दिया, तब तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो क्या ही कहने भाई। मतलब अगर कहीं उसमें, क्योंकि बात अब यहाँ, अब इसको आप कैसे रिलेट करा सकते हैं डरखाइम से। अब आप देखिए कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाइए और देखिए कि जितने लोग एक जैसे हैं, जो अब मान लीजिए ईश्वर किसी ईश्वर के नाम पे जो है क्या अपमान हो रहा है, अब सब लोग एकजुट हो गए। क्यों? क्योंकि वो सिंबॉलिक है, कलेक्टिव है, सभी लोग मिल करके उसको प्रेज करते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रतीकात्मक चिन्हों का प्रयोग जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा संघर्ष की टेंडेंसी, संघर्ष की ड्यूरेशन, कॉन्फ्लिक्ट की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। और दूसरी लास्ट पॉइंट इसी में क्या आता है निकल करके, कि मतलब जितना हम उसे संघर्ष को मतलब कम करने की कोशिश करेंगे उतना ही संघर्ष ज्यादा बढ़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि संघर्ष हमारे कब्जे में, हम संघर्ष को जितना रोकेंगे संघर्ष उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। कोजर में किसी को कोई डेफिनेशन, कोई कंफ्यूजन है क्या? सर